बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय कॉलेज स्टूडेंट। आज द फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द नंबर सिस्टम, कि ये नंबर्स को किस तरह डेवलप किया गया डे बाय डे, हिस्ट्री बाय हिस्ट्री, और आजकल जो इनकी मॉडर्न शेप जो आपके सामने है उसका मुख्तसरन सा मैं आपको इसकी ब्रीफिंग में देना चाह रहा हूं, ताकि कुछ चीजें आपके जहन में आ भी जानी चाहिए ये है क्या। जब प्री हिस्ट्री हमें ये कहती है, बहुत पुराने जमाने में सिर्फ लोग जो है, जब लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई थी तो सिर्फ यस और नो ही की गेम चल रही थी, हमेशा नंबर सिस्टम को इस्तेमाल किया गया उस जमाने भी, यस और नो, जबकि बाइनरी नंबर्स आप समझ लें, जो कि मैं अभी समझाना नहीं चाह रहा, क्योंकि नंबर्स फिर इन्होंने अपनी आइटम्स को जो है उनको टैग करना शुरू कर दिया। नाउ वन, ये वन हो गई, ये टू है, ये थ्री है, फोर है, क्योंकि उस जमाने में जितनी भी आइटम्स थी उसमें ना होने का तसव्वुर ही नहीं था, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो था उनका वन टू थ्री अप टू सो ऑन, नाइन तक तो ये चले गए। इस तरह नंबर गेम ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। इसी तरह चूंकि हमारी नेचर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, या खुदा पाक ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई, या ऐसी कोई भी ऐसी क्रिएशंस नहीं है जो इंपॉर्टेंस ना हो, तो लिहाजा जीरो का कोई तसव्वुर नहीं किया गया था। तो सबसे पहले जो नंबर गेम स्टार्ट हुई वो चूंकि नेचर पे डिपेंड थी, दैट्स नेम आर नेचुरल नंबर से रखा गया। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो नेचुरल नंबर्स में आया, वन टू थ्री अप टू सो। जब अलजेब्रा थोड़ा सा डेवलप किया, ये उन्हीं दिनों की बात है, तो जो नेचुरल थे वो एक्स इक्वल टू ए की फॉर्म में लिखे गए, ए क्रॉसपॉन्डिंग था उन नंबर्स का, वो वन आ गया, टू आया, थ्री आया, फोर आया, तो इस तरह एक नेचुरल चलते गए नाइन तक गए। फिर इसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्रीज को हम और एडवांस करते हैं, तो जीरो जब डेवलप किया गया तो एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास आई, नाउ एक्स प्लस ए इक्वल टू ए। यहां मैथमेटिशियन कहते हैं कि इनके अलावा भी कोई एक आधा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये एक्स इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए प्लस ए, चूंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ऑपोजिट साइन के लिहाज से, और जीरो नंबर को डेवलप किया गया। अब इसमें जो हमारे पास पहले नंबर थे उसमें जीरो को ऐड कर दिया गया, अब ये एक होल नंबर, यानी कि एक स्टेप हम अप चले गए, हमारी हिस्ट्री और अच्छी डेवलप होती गई, तो होल नंबर डेवलप हो गया, जीरो वन टू थ्री अप टू सो। फर्स्ट जो है आपका नेचुरल आया, सेकंड जो है वो नाम इसका होल हो गया। होल इसलिए है कि अब ये एक कॉम्पैक्ट फील्ड उनके सामने आना शुरू हो गई। जब नंबरिंग गेम बहुत ज्यादा हो गई, चीजें मल्टीपल होना शुरू हो गई, तो वो 10 की बेस में आना शुरू कर दिया उन्होंने, 10 बेस 0, 10 बेस 1, 10 बेस 10 पावर 1, 10 पावर 2 एंड 10 पावर 3 अप टू सो ऑन मिलियन तक ये काम चलना शुरू हो गया। तो नेचुरल से हम होल की तरफ आ गए। अब जब होल से और ज्यादा चीजों ने ड्रग करना शुरू कर दिया, कोई लेन देन का बर्टर सिस्टम आया, आगे पीछे आया, तो फिर हमारे पास एक और इक्वेशन बनना शुरू हो गई, कि अगर हम कहें जी एक्स प्लस ए इक्वल टू बी इन एनी इक्वेशन वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए को हम बी से ग्रेटर करें, तो जब हम इसको इस साइड पे ले आते हैं एक्स को, तो ये आ जाता है बी माइनस ए। जब ए ग्रेटर है तो इसका मतलब है यहां एक नेगेटिव नंबर की भी एंट्री आना शुरू हो गई। तो मैथमेटिशियंस ने यहां सोचना शुरू कर दिया कि अब जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस पे भी, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी इसमें शामिल कर दिए जाए।
इस तरह इंटीजर मार्ज वजूद में आया। तो इंटीजर्स को हम जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन लिखना शुरू कर दिया और ये हम इंटीजर्स की हिस्ट्री में पहुंच गए। नेचुरल से हम इंटीजर्स तक का सफर तय कर लिया। अब बात यही खत्म नहीं हुई, इसे एक स्टेप और आगे कुछ इस तरह कि कुछ ऐसा भी नंबर्स थे, कोई ऐसी भी फॉर्मेशंस आई जिसमें फ्रैक्शंस की जरूरत पेश आई। मसलन अगर मैं कह दूं कि जो वायरल इंफेक्शन है आजकल, इसमें नंबर ऑफ कैजुअलिटी जो है वो 2 है, 4 है, 1000 है, 7000 है, 8000, ईच एंड एवरीथिंग रिप्रेजेंट बाय एन होल नंबर, अ नेचुरल नंबर। लेकिन मेरी हाइट, आप लोगों की हाइट, वेट, तमाम चीजें जो मेजरमेंट में आती है, आ डिस्टेंस, क्या ऐसा है कि पहला 1 किलोमीटर है वो वेरी नेक्स्ट स्टेप पे 2 किलोमीटर है, या आप लोग रात को सोए हुए थे आपका जो हाइट है वो 5 फीट है, सुबह उठे तो फौरन 6 फीट हो गई? ऐसा नहीं, यकीनन ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यहां कि अब डेसिमल सिस्टम ने भी आना शुरू कर दिया। जैसे इसको हम एक और स्टेप आगे में ले जाएं, नाउ ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, या प्लस बी को हम माइनस बी कह लें ताकि आप ये समझने आसान हो जाए। नाउ ax इक्वल टू बी एंड x इक्वल टू बी आवर a वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये फ्रैक्शंस का एक सिस्टम आना शुरू हो गया। इसको हम मैथमेटिशियन ने इसको नाम रैशनल देना शुरू कर दिया। तो आगे हम एक और स्टेप जो इंटीजर से आगे जो है, दैट इज आवर रैशनल नंबर। ऑल द नंबर व्हिच आर रिटन इन द टी आवर क्यू फॉर्म, चूंकि आपकी बुक में है और आप पढ़ते भी रहे हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आर सेड टू बी अ रैशनल नंबर। नंबर देख लें, आहिस्ता 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 एडवांस होता गया और हम लोग रैशनल नंबर तक पहुंच गए। कुछ ऐसे भी हमें डेसिमल मिले, ये फ्रैक्शंस मिले, जो कि पी और क्यू की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते थे। अब वो नंबर जो पी और क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें, उसको हम इरेशनल का नंबर नाम दिया गया। इटसेल्फ इरेशनल कोई अलग फील्ड नहीं है, ये सिर्फ इसकी ऑपोजिशन है, कुछ भी नहीं। आओ अब एक रैशनल फील्ड आ गई बहुत बड़ी, इरेशनल भी आ गई। अब मैथमेटिशियंस ने कहा इसको, उन्होंने क्यू से और इसे क्यू बार से रिप्रेजेंट किया गया। उन्होंने क्या कि ये क्यू नाउ कप ऑफ क्यू बार दैट इज आर रियल नंबर, उसको हम रियल नंबर का नाम दिया। एंड रिमेंबर कि इन दोनों नंबर्स के अगर मैं इंटरसेक्शन या कैप लूं तो हमेशा हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। दैट्स द कंडीशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का आप यूनियन ले लें, यानी कि उनका कप फंक्शन ले लें, तो हम अब रियल के घर में पहुंच जाएं। दैट्स द रियलिटी ऑफ योर लाइफ, रियलिटी ऑफ अ हैपनिंग, रियलिटी ऑफ अ रीजनिंग। रियलिटी यह है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो कि आपकी सराउंडिंग में, मेरी सराउंडिंग में, आपकी सराउंडिंग में हो रहा है, दैट्स अ रियल नंबर जिसको हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब कुछ और भी बाकी है, लेकिन फिलहाल आपने रियल तक पहुंचना है कि कैसे मैथमेटिशियन ने स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेचुरल से रियल तक का सफर तैयार किया। और बात याद रखिएगा, मैंने दरमियान में अपनी गुप्त समझाने के दरमियान में मैंने आपसे यह कहा था कि जैसे वायरल इंफेक्शन आजकल आम है, जैसे कैजुअलिटी हो रही है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नंबर टू नंबर स्किप करती हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5, ऐसी वैल्यूज को हम मैथ वाले या मैथमेटिशियन जो है वो डिस्क्रीट का नाम देते हैं। डिस्क्रीट कभी भी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं होता। और कुछ ऐसी है जैसे कि मेरी हाइट
कि मिलियन माइक्रो मिलीमीटर जो है वो भरनी है, फिर कहीं जाके हजारों के बाद सेंटीमीटर, और फिर कहीं जाके फीट इंचेस फीट ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, जैसे हाइट ऑफ द ट्री कंटिन्यू, 2 लीटर ऑफ मिल्क, दैट इज अ कंटिन्यू, बट कैजुअलिटी एट जीटी रोड, दैट इज अ डिस्क्रीट. तो रियल नंबर जो है ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, दैट्स व्हाई कि हम रियल नंबर्स को हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस पूरे रियल नंबर्स को हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस वन इज अ जीरो. राइट साइड पे चूंकि हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो पॉजिटिव को हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है, और लेफ्ट साइड पे चूंकि स्ट्रेंथ कम होती है, दैट्स व्हाई आई थिंक कि नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे है. ऑल द नंबर बिटवीन 1 एंड 2, आप इमेजिन करेंगे 1 और 2 के बिटवीन इंफिनिट नंबर है. ये नहीं है कि 1 के बाद 4 और 2 पे आ गया 1.0000001, यू कांट इमेजिन दैट. फिर 1.0000002, 1.00, कहीं ये जाके 1.1, फिर 1.2, 1.3, और ये फिर कहीं जाके नंबर 2 को आ गया. तो ऑल द नंबर्स आर रियल, ऑल द रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन, दिस लाइन इज सेट टू बी अ रियल लाइन, और ये वो ही रियल लाइन है जो आप स्मॉल क्लासेस में, छोटी जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं. और इसी तरह अगर हम इसे हाइट और डेप्थ के लिहाज से दें, चाहे ये तो अब मैं कह सकता हूं कि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और अगर हम हाइट और डेप्थ में लेके जाएं तो वो वाई एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये रियल नंबर्स की एक गेम है जिसने तमाम के तमाम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नंबर्स को, सेट्स को अपने अंदर समो लिया है. तो आपका जो पहला चैप्टर है वो इस रियल नंबर के बारे में है, और एक नंबर भी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे हम आएंगे उस पर, दैट्स रियलिटी. 2 मार्क्स लाजमन बोर्ड वाले इसमें से देंगे. एक्सरसाइज 1.1 जब हम स्टार्ट करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, अभी इनके प्रॉपर्टीज भी हैं. कुछ प्रॉपर्टीज तक जाने से पहले पहले ये कुछ मैंने सिंबॉलिकली बता दिया, मैथमेटिकल नोटेशन जिसको आपने देखना है. डेट इज ए ब्लॉन्क, देयर एग्जिस्ट, डेट इज साइन ऑफ ए देयरफॉर, 2 डॉट अपवर्ड, डेट इज 2 डॉट एंड डाउनवर्ड, डेट इज अ बेकर्स, whereas, less than, and, or, and condition is a compulsory, that's a stand for the article, that's a equal. जब हम फोर्थ चैप्टर करेंगे तो मैं इन दोनों में फर्क बताऊंगा, लेकिन हम लोग चूंकि बुक लिखते हुए और पढ़ाते हुए भी हम जरा भूल जाते हैं. that's a equal, identical, that's a for all. ये वो वाला ए है जब आप अभी प्ले ग्रुप में थे तो आपकी मामा आपको सिखा रही थी तो आप उल्टा ए डाल दिया, तो उस वक्त आपको फेंटी भी पड़ी होगी, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को हमने इसे फॉर ऑल के लिए रख लिया. दैट्स अ रियल. इसमें माइनस इनफिनिटी और इनफिनिटी एक्सक्लूड है, शामिल नहीं है. ये साइन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, और जिसमें माइनस इनफिनिटी और इनफिनिटी इंक्लूड हो उसे हम एक्सटेंडेड रियल नंबर्स का नाम देते हैं, और उसको कुछ इस तरह लिखा होगा किताब की, जो ही आप पेज ओपन करेंगे आपको इस आर से वाबस्ता पड़ेगा. तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम चीजों को आपने लर्न करना है. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में. नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की तरफ चले जाते हैं. ये क्लास 9 में भी की थी, 10th में तो इतना मौका नहीं दिया गया उन्होंने आपको. अब यहां चूंकि इसकी जरूरत इसलिए है कि यहां एक एमसीक्यू जो है, यानी कि 1 मार्क्स अगर आप स्ट्रगल लाजमी, जो मेरे टॉपर हैं वो 1 मार्क्स के लिए ही स्ट्रगल करते हैं, हर एक एक मार्क्स के लिए डेट्स योर एसर आपने स्ट्रगल करनी है. इसमें प्रॉपर्टी देखें रियल नंबर्स की, डेट्स योर क्लेयर प्रॉपर्टी. क्लेयर को हम बूलियन अलजेब्रे में क्लोज्ड भी कहा जाता है, कि आप कोई सी दो चीजों को आप पिक कर लें, किसी भी नंबर्स में, रियल नंबर्स में से कोई से दो एलिमेंट्स को पिक कर लें, दो नंबर्स को पिक कर लें, उस पर ऑपरेट करें, बाइनरी ऑपरेट करें. नॉर्मली बाइनरी ऑपरेट जो है वो मल्टीप्लाई और प्लस का ही है. क्लियर, बाइनरी ऑपरेट. तो इनको कुछ इस तरह के इसको ऑपरेटर लगाएं,
कि जो आंसर आएगा वो दोबारा उसी फील्ड का या उसी सेट का एलिमेंट हो, दैट सेट टू बी ए क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट्स ए और बी, कोई भी मैं टू नंबर लेता हूं, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इसको हम डिस्कस इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू द रियल, एक्सटेंडेड भी होगा, अगर एक्सटेंडेड में होगा तो आपने इस तरह कर लेना, इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, इसका जो आंसर आएगा वो दोबारा इसी फील्ड के अंदर हो, जबकि जो इसका आंसर आएगा वो दोबारा ही रियल नंबर्स में होगा, दैट इज सेड टू बी अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद जबकि कोई से दो नंबर, फर्स्ट करें मैं रियल नंबर्स में वन और टू लेता हूं, वन और टू में ऐड कर लेता हूं, दैट इज अ थ्री, तो थ्री दोबारा तो रियल है ना, ऐसी प्रॉपर्टी क्लोजर कहलाती है। इसमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी है जिसमें इनकी पोजीशन चेंज की जाती है। एसोसिएटिव देखिएगा, इसमें तो हो गया ना, एसोसिएटिव में आप थ्री नंबर्स आपने लेने हैं, वो इक्वल होंगे ए प्लस बी प्लस सी, चाहे इसे पहले इन पहले ए प्लस बी को ऑपरेट कर लें और बाद में सी, या इसमें पहले बी और सी को ऑपरेट करें और फिर ए एड करें, दैट इज सेड टू बी एसोसिएटिव। ये दो चीजें जो है, ये दो प्रॉपर्टीज है, ये आपने क्लास नाइन में पढ़ी, वहां एडिटिव आइडेंटिटी भी थी लेकिन शायद आपने कंसीडर नहीं किया हो। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी डेट्स मीन आ शिनाख्त, शिनाख्त आइडेंटिटी मीन, शिनाख्त मीन कोई ऐसा नंबर लें, कोई ऐसा न्यूमरल्स लें कि उसमें से कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाए लेकिन नंबर डिस्टर्ब ना हो। फर्ज करें यहां थ्री है, थ्री में मैं क्या ऐड करूं कि थ्री ही रहे, सेवन है तो सेवन में मैं क्या ऐड करूं कि सेवन ही रहे, ऑब्वियस दैट्स जीरो, और ए में मैं क्या ऐड करूं कि ए ही अपनी आइडेंटिटी को ना डिस्टर्ब करे, दैट्स अ जीरो, तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये जहन में रखना है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की तरफ भी चलेंगे, अब इनवर्स की तरफ आए, एडिटिव इनवर्स, कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, चले टू, दैट इज एडिटिव इनवर्स, कोई भी नंबर लें टू, टू में मैं क्या ऐड करूं, यहां हम लोग क्या ऐड करें कि आपके पास आइडेंटिटी आए, या फाइव ले लेते हैं, फाइव में क्या ऐड करूं कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, तो लाजमन आपके जहन में होगा कि सर माइनस टू कर लें, इसमें माइनस फाइव कर लें, अगर फ्रैक्शन है वन ओवर फाइव तो माइनस वन ओवर फाइव हो जाएगा, माइनस टू इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ टू, माइनस फाइव इज एडिटिव इनवर्स ऑफ फाइव, सिमिलरली माइनस ए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी भी रियल नंबर्स में मौजूद है, ये एडिशंस के लिहाज से ये मेजर प्रॉपर्टी है जिसमें क्लोजर, कमोटेट या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स जेन में रख लीजिएगा। अब इन तमाम चीजों को हम मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से भी डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव में कैसे करेंगे आप, क्लियर, कोई से दो नंबर ले लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द एक्सटेंडेड रियल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो भी आंसर आएगा वो अगेन एक्सटेंडेड ही में आए यानी कि रियल नंबर में आए, दैट इज सेड टू बी अ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एसोसिएटिव में जाए, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, चाहे आप इसको पहले ऑपरेट कर लें या राइट साइड पे बी और सी को ऑपरेट करके ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब भी आंसर सेम आएगा, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, एसोसिएट का मतलब है ताल्लुक, व्यवस्था होना, यहां थ्री एलिमेंट्स होना जरूरी है। अब आ जाए इसमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, फिर वही सब
कि किसी भी न्यूमरल वैल्यूज में किसी भी नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि नंबर अपनी डिग्निटी या अपनी आइडेंटिटी ना खोए। लेट्स फर्स्ट करें, 5 है मेरे पास, 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, या 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5 ही रहे, कि 5 ही रहे। या 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 7 ही रहे। या A में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि अपने डिग्निटी को ना डिस्टर्ब करें, तो ऑब्वियस आपके जेहन में होगा दैट्स अ 1। क्लियर? तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट्स अ यूनिक। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यूनिक है, दैट्स अ 1। अब आपने 1 को इस राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। देखें, अगर हम इसको खत्म कर दें, अब मैं यहां कर दूं ये 1 है, इसको खत्म कर दें, यहां मैं ले दूं ये आइडेंटिटी है, इसको खत्म कर दें, यहां ले दूं 1। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए। अब वो फौरन मुझे बता देंगे, तो मैं उसका नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखूंगा, दैट्स अ यस, दैट्स अ 1 आवर, दैट इज अ 1 आवर 7, दिस वन इज अ 1 आवर A। तो 1 आवर A या A पावर माइनस 1, 1 आवर A इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A, 1 आवर 7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, एंड सिमिलरली 1 आवर 5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ 5। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर। क्लियर हो गया? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 1.1 जो है वो इसी पे जो है, वो पूरी बिल्डिंग जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। अब आ जाए कुछ रिफ्लेक्सिव के बारे में, बाकी और ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं हम करेंगे, वो बार बार जो जो लाइन गुजरती जाएगी हमें समझ आती जाएगी। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब है आपका अपना अक्ष, आपने जैसे आप अपने मिरर में देखते हो, यानी कि A जो है कोई भी नंबर लें, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द रियल नंबर, A अपने ही नंबर के इक्वल होता है, यानी कि 5 है तो वो 5 A के इक्वल होगा, 6 है तो वो 6 के इक्वल होगा, दैट प्रॉपर्टी सेट टू बी अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ स्विच, इफ A इक्वल टू B, इफ कंडीशन है, अगर A B के इक्वल है, कोई से दो नंबर आपस में इक्वल है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि B A के इक्वल, दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी इसमें आप हंस रहे होंगे कि सर ये तो अंडरस्टूड बात है, दैट इज एक्सियम, हम उसको इस सेंस में भी बात कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव में एक ही नंबर है जो अपने ही नंबर्स के इक्वल होगा, सिमेट्रिक दो नंबर है, अगर पहला दूसरे नंबर्स के इक्वल होगा तो दूसरा पहले नंबर के इक्वल होगा, एंड पॉजिटिव। इफ A इक्वल टू B, अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है, एंड B इक्वल टू C और B C के इक्वल है, यानी कि A B के इक्वल और B C के इक्वल है, बिल्कुल इसी तरह जब आप कोई तीन आइडेंटिकल चीजें तो परचेज नहीं, जैसे कि आप बर्गर मार्केट में जाओ, बर्गर खरीदो, फिर इसके बाद वो शवारमा है वो खरीद लो, फिर कोई कोक ले लें, बर्गर की कीमत 10 रुपीज है, 10 जेड से, आप ये नहीं कहेंगे सर इतना सस्ता तो नहीं मिल रहा, शवारमा भी 10 का है और बॉटल भी 10 की है, तो इसका मतलब है तीनों चीजों की सेम प्राइस है, दैट्स द कंडीशन। हियर अप्लाई, इफ ए बी के इक्वल और बी सी के इक्वल है, तो देन तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बी को बाईपास कर दूं, ए इक्वल टू सी, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, थर्ड में चले गए। तो माय डियर स्टूडेंट, इन प्रॉपर्टीज को आपने लर्न करना है, आज का लेक्चर जो है इनकी प्रॉपर्टी हिस्ट्री ऑफ द रियल नंबर्स के बारे में है इसका, और इसके बाद ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको आपने देखना है, यूज करना है, क्योंकि मैथमेटिशियंस की अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी एक खूबसूरत लैंग्वेज है जिसको आपने फॉलो करना है। नाउ दैट्स एंड टुडे लेक्चर, इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 1.1 पे जाएंगे और अपने 2 मार्क्स को स्क्योर करेंगे। स्टे विद मी, थैंक यू।